Friends, once again I welcome you all in my next lecture on alkyl and aryl halide. Okay, so ये lecture previous lecture का ही continuation version है. Okay, हम लोगों ने previous lecture में देखा था how to decide RS nomenclature. I think ये थोड़ा difficult है, समझने में थोड़ा time लगता है, इसलिए मैं सोचा कि एक और examples ले लूँ, और ज़्यादा example ले लूँ. तो जैसे last example में हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा अपना गलत आ रहा था, गलत नहीं आ रहा था, बिल्कुल सही था. बिकॉज हम लोग तो ये एग्जांपल हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, और लास्ट क्लास में मैंने क्या बोला था आपको, दैट इज ये वन है, टू है, तो थ्री, तो ये डायरेक्शन क्या है, दिस इज क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो आर आएगा. बट अपने को बिकॉज मैंने एक एक्सचेंज किया था, इसलिए ओरिजिनल एस ही रहेगा. तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, एस ही रहेगा. बिल्कुल सही था, कोई गलती नहीं थी. नाउ अब इसको एक बार फिर से मैं इस दोनों मॉलिक्यूल को आपको एक्सप्लेन कर देता अच्छे से, फिर हम लोग और लगेगा तो और एग्जांपल लेंगे. तो चलिए सबसे पहले ऊपर वाले मॉलिक्यूल को फिर से बना रहा हूँ मैं. यहाँ पे क्या है, वी हैव सी ओ ओ एच, ओके, सी ओ ओ एच है वो है, और यहाँ पे आपने लिखा है दिस इज ओ एच, ओके, ओ एच है, एंड दिस इज यहाँ पे इस तरह से लिखा आपने सी एच थ्री, दिस इज सी एच थ्री, और यहाँ पे एच है, ओके, ये लिखा है. इसका आरएस नोमेनक्लेचर निकालना है. तो सबसे पहले तो अपने को प्रायोरिटी ऑर्डर देना होगा. तो प्रायोरिटी ऑर्डर में देखिए, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, बट यहाँ हाइड्रोजन से कनेक्टेड, यहाँ पे ऑक्सीजन. तो इसको आप क्या लिख लीजिए, वन. इसको क्या लिख, सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट वन बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन है. ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा. देन ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा. सो दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग ने दे दिया, प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया, और दिस इज फोर. नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी है उसको अपने से दूर कीजिए. तो लोएस्ट प्रायोरिटी मतलब यहाँ पे कौन सा लोएस्ट प्रायोरिटी है, हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन मतलब आप फिर से एक बार बना लीजिए, यहाँ पे आप ओ एच लिख लीजिए बिकॉज मैं एक्सचेंज करने जा रहा हूँ. और यहाँ पे क्या लिखिए, देखिए यहाँ, हेयर वी हैव एच, उसी मॉलिक्यूल को मैं एक्सचेंज करके लिख रहा हूँ. देखिए ऊपर वाले मॉलिक्यूल को ही यहाँ पे मैंने सी एच थ्री लिखा है, और यहाँ पे हो जाएगा दिस इज सी ओ ओ एच, ओके. नाउ प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था, यहाँ पे दिस इज वन, अगर आप देखोगे ये वन था, ये कितना था, टू था, और ये कितना था, थ्री था. अब आप वन टू थ्री फोर काउंट कीजिए, तो वन टू थ्री अगर आप काउंट करोगे तो ये डायरेक्शन आएगा, दिस इज व्हाट, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है तो ये वाला क्या होगा, एस. बट अपने को पूछा किसके बारे में गया है, इसके बारे में, तो मैंने एक एक्सचेंज किया है तो ऑड नंबर है, तो इसलिए ये कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा. जो कि हम लोग ने देखा था प्रीवियस क्लास में कि ये वाला आर ही था इस वाले फॉर्मेट में, वन टू थ्री फोर काउंट करके. यहाँ पे तो सब कुछ सिंपल है, आर. तो इस तरह से हम लोग ने कोरिलेट कर दिया, दिस इज अबाउट द आर एस नोमेनक्लेचर. और भी एग्जाम्पल्स आपको करके बताता, देखिए और एग्जाम्पल है मेरे पास, आपको और अच्छे से क्लियर होगा आर एस नोमेनक्लेचर क्या है, ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको. सो देखिए, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया है कि एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सी है, ये सी है, यहाँ पे ओ एच है, और दिस इज एच, दिस इज यहाँ पे सी एच टू, सी एच टू बी आर है, और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है सी एच टू सी एच थ्री लिखा हुआ है. और अपने को बोला गया है कि इसका आर एस नोमेनक्लेचर निकालिए, आर एस नोमेनक्लेचर निकालिए. तो आर एस नोमेनक्लेचर निकालने के सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या ओ है सबसे पहले, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ए ओ वन ले लीजिए, वन आ जाएगा. ए देखिए बिकॉज यहाँ पे सी सी है, सी के बाद एच है, यहाँ पे सी 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 के बाद बी आर है, तो ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ए थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा.
तो ये हम लोग ने प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लिया, ओके, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लिया, प्रायोरिटी ऑर्डर अपना डिसाइड हो गया। अब काउंटिंग करना है, तो 1 2 3 मतलब आप इधर से भी जा सकते हो, 1 2 3 ए डायरेक्शन, देखिए सॉरी, ए डायरेक्शन भी 1 2 3 आएगा, ए डायरेक्शन से भी 1 2 3 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको मैंने क्या बताया था कि जब 1 से 2 के तरफ जाओ तो आप 3 को क्रॉस नहीं कर सकते हो, तो अगर इधर से आता हूं मैं तो मुझे 3 को क्रॉस करके 2 पे जाना पड़ेगा, इधर से आता हूं तो 4 को आप क्रॉस कर सकते हो और 3 को नहीं, इसलिए इस डायरेक्शन से अपने को नहीं जाना होगा, इसी डायरेक्शन से जाना होगा। अगर इस डायरेक्शन से जाते हैं तो दिस इज आर, बिकॉज कोई एक्सचेंज नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, सो दिस इज सिंपली यू कैन से दिस इज आर, ओके। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कोई भी प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे लिखते हैं, कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अब और एक बताता मैं आपको, एक हो गया, देखिए 2 3 और एग्जांपल करेंगे फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। जैसे देखिए आपको इस तरह से कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, यहाँ पे COOH है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है और बोला गया है कि इसका RS नॉमेनक्लेचर निकालिए भाई। चलिए, तो RS नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले किसको देंगे, ऑक्सीजन को। देखिए पहला आइटम, यहाँ 2 ऑक्सीजन रहने दीजिए, 2 ऑक्सीजन बाद में आया है, पहला आइटम ऑक्सीजन है यहाँ पे, देन कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, बट कार्बन के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है, सो दूसरा नंबर हम लोग इसको देंगे, ओके, तीसरा नंबर इसको देंगे और चौथा नंबर इसको देंगे। अब नेक्स्ट क्या करना होता है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को अपने से दूर करना होता है, तो मतलब अपने को वर्टिकल लाइन पे रखना है, तो आप 2 और 4 को एक्सचेंज कर दीजिए, तो मैंने एक्सचेंज कर दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, एच लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, ओ एच ऊपर से, और बाकी सेम रखेंगे, बाकी कहीं भी कोई चेंज नहीं करना। फिर आप 1 2 3 काउंट कीजिए, 1 इसका है, 2 इसका है, 3 इसका है, 4 इसका है, तो 1 2 3 जब काउंट करोगे तो ये डायरेक्शन जा रहा है 1 2 3 में, और अगर ये डायरेक्शन आ रहा तो ये डायरेक्शन कौन सा है, अगर ये डायरेक्शन आप जाओ, सो दिस इज व्हाट, दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ए वाला क्या है, आर है, बट अपने को पूछा किसके बारे में गया है, इसके बारे में, तो ए क्या हो जाएगा, एस, तो ये एस है। एक्चुअली अगर देखोगे ये दिस इज एस लैक्टिक एसिड, ओके, एस लैक्टिक एसिड, उसी तरह से एक और बताता आर लैक्टिक एसिड, फिर इसका आपको करके बताता, ओके, ये अच्छे से अपने को कर लेना, इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ इस चीज़ पे, आपको आ जाना चाहिए, जेई मेन्स हो, बोर्ड हो, बहुत जगह ये टॉपिक को डील किया जाता है, ओके, तो इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो फिर से देखिए अपने को प्रायोरिटी ऑर्डर देना है, 1 2 3 4, तो बस 4 को अपने से दूर मतलब वर्टिकल लाइन पे रखना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे H, देन वी हैव COOH, देन ये सब बाकी को कोई भी चेंज नहीं करना है, CH3। अब यहाँ पे देखिए 1, दिस इज 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 3, तो काउंट कीजिए 1 2 3, ये डायरेक्शन आएगा, ये डायरेक्शन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ए वाला क्या है, एस है, अपने को पूछा गया है कौन वाला, ए वाला, तो ये आर होगा, तो इसलिए इसका नाम होता है दिस इज आर लैक्टिक एसिड, आर लैक्टिक एसिड। तो ये एग्जांपल भी हम लोग ने देख लिया किस तरह से करते हैं, और एक दो करके बताता फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ सकते हैं। जब तक आपको टेंशन होगा आगे के टॉपिक पढ़ाना मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट होगा, और मैं भी चाहता कि आप अच्छे से समझिए, अपने पास टाइम है, एग्जाम्पल कीजिए, बुक फॉलो कर लीजिए, ओके, बुक फॉलो कीजिए, ओके, इसका नॉमेनक्लेचर निकालना है तो सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, दिस इज, ये क्या हो जाएगा, 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो अपने से क्या करना है, जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, यहाँ पे कौन है लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, हाइड्रोजन, तो उसको डॉटेड लाइन पे रखेंगे, बिकॉज डॉटेड लाइन का ही मतलब होता है अपने से दूर, तो आप यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या कर दीजिए,
एच कर लीजिए, जिससे एक्सचेंज करेंगे उसी को चेंज करेंगे, बाकी किसी को चेंज नहीं करना, ध्यान रखना बाकी किसी को भी चेंज नहीं करना। तो हो गया, अब 1 2 3 काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 में ब्रोमीन 1, ए 2 है, ए 3 है, ए 4 है। अब 1 से 2 पे जाना है तो मैं इस डायरेक्शन से जा नहीं सकता, बिकॉज मुझे 3 को क्रॉस करना पड़ेगा। मुझे कौन से डायरेक्शन से जाना होगा, ए डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन क्या गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला क्या हो गया, एस। बट अपने को पूछा किसके बारे में गया, इसके बारे में। तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूल का आर एस नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। चलिए एक लास्ट निकाल के बताता और फिर हम लोग इस टॉपिक को बाइंड अप कर देंगे, अपने लिए टॉपिक हो जाएगा। तो अगर इस तरह से दिया हुआ है OH, एच, दिस इज BR, एच एंड दिस इज CH3, और अपने को पूछा गया RS नोमेन। ध्यान रखिए RS नोमेन क्लेचर सिर्फ कायरल कार्बन का निकालते हैं हम लोग। तो मैं सबसे पहले इस कार्बन का निकाल रहा हूँ। ओके, इस कार्बन के लिए सबसे पहले मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर देना होगा। तो ये 1 आ जाएगा, ये बड़ा सा है 2, बिकॉज यहाँ पे C के बाद C, C के बाद BR, देन A3 एंड देन 4। बट अपने को लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को क्या करना होता है, अपने से दूर, मतलब उसको हॉरिजेंटल सॉरी वर्टिकल लाइन पे लाना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, H यहाँ पे क्या किए, CH3, और बाकी किसी का भी कोई चेंज नहीं करना है, जहाँ पे है लिखिए आप। ओके, अब 1 2 3 काउंट कीजिए। तो यहाँ पे अपने पास 1 है, इसको 2 बोला था, इसको 3 बोला था। तो 1 2 3 अगर आप देखिए क्या है, R है ये वाला, इस फॉर्म में क्या आर है, बट अपने को पूछा तो ये गया है और एक एक्सचेंज किया होगा, मतलब ए क्या हो जाएगा आपके लिए, ए एस हो जाएगा, ए वाला कार्बन। अब उसके नीचे वाला कार्बन, मतलब ये कार्बन कर लिया हम लोग ने, ए कार्बन क्या है, एस है। अब उसके नीचे वाला कार्बन देखते हैं हम लोग, वो भी करेंगे हम लोग। तो नीचे वाले कार्बन में भी अगर प्रायोरिटी ऑर्डर दीजिएगा तो ये 1 आ जाएगा, ए 2, इसके लिए 2 ही रहेगा बिकॉज बड़ा सा रिंग है, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब अपने को एक एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सचेंज क्यों, बिकॉज एच को वर्टिकल लाइन पे लाना ही होगा। ऊपर वाले को डिस्टर्ब मत कीजिए, बिकॉज ऊपर वाले का इस बार नहीं निकाल रहे, तो ऊपर एज इट इज लिख दीजिए। नीचे वाले को डिस्टर्ब करना है तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे एच लिख देना है और एच के जगह पे CH3, बाकी सेम रहेगा। तो अब आप काउंट कर सकते हो, ओके, एच बी आर हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 1 A 2 और A 3, मतलब ये डायरेक्शन कौन सा है, ए डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ए क्या होगा, एस होगा, और एस होगा मतलब ये अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो इस मॉलिक्यूल का नाम अगर अपने को लिखना है ना, कभी भी नोमेनक्लेचर अगर लिखना है तो इस तरह से होता है। देखिए अगर आप काउंटिंग कीजिए तो किधर से करना होगा, इधर से ऊपर से ही काउंटिंग करना पड़ेगा। तो ये क्या है, 2 पोजीशन पे एस है, अगर देखिएगा सेकेंड वाला कार्बन, मतलब अगर नंबरिंग आप लिखते हैं तो क्या करना होगा आपको, तो कार्बन का नंबर लिखना पड़ेगा ना। तो नंबरिंग हम लोग अगर करेंगे, देखिए नंबरिंग अगर करेंगे तो ए कार्बन 1 हो गया, 2 नंबर इसको आता है, 3 नंबर इसको आता है, 4 नंबर इसको आता है। इसका क्या मतलब है, जो 2 वाले कार्बन है उस पे एस है और 3 वाले कार्बन पे क्या है, आर है। तो कभी कभी इस तरह का भी नोमेनक्लेचर आपको करने को मिलेगा, ओके, कि 2 एंड 3 पे क्या है, नंबरिंग कैसे लिखते हैं। ओके, सो देखिए इसका नाम अगर आप लिखोगे तो दिस इज 2S, 3R, ओके, एंड बाकी तो सिंपल है। 3 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो है, 3 पोजीशन पे ब्रोमो है, एंड दिस इज ब्यूटेन 2R। तो इस तरह से, तो ये कभी कभी इस तरह के भी सिस्टम फॉलो होता है नोमेनक्लेचर। तो मैंने पूरे डिटेल में आरएस नोमेनक्लेचर पढ़ा दिया है, आपका काम है एक बार फिर से, जब तक समझ में ना आए वीडियो को देखते रहिए, एग्जांपल्स कीजिए बुक से, आप बुक फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारी बुक मार्केट में है, कोई भी अच्छी बुक एक ले लीजिए। अगर आप बुक का कुछ भी रेफरेंस चाहिए तो मुझे चैनल पर मैसेज कीजिए, मैं आपको बताता, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको मैं बताता, फिर आप बुक ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू।